अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? तो वैसे ठीक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फ़ानी मलिक। तो जनाब, आज फिर जो एक नई वीडियो नए ब्लॉग के हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो अभी मैंने जो है तैयारी की है, आज वैसे गर्मी भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप पर खड़ा हूँ। तो अभी मैंने जो है तैयारी की है, तो तैयारी करके मैं जा रहा था अपने सिटी फतेहपुर। वहाँ पर मैंने जो है 3-4 काम करने थे। कौन से काम करने हैं वो अभी मैं आपसे जो है शेयर नहीं करने वाला। तो आप जो है वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से आज हमने काम करने हैं। तो बाकी भी आज की जो रूटीन होगी वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना भी ना भूलिए। जनाब, अभी जो है मैं अपनी बाइक घर से बाहर निकाली है, तो फैज़ान भतीजा मेरे पास आकर मुझे कहने लगा कि चाचू मुझे भी सिटी फतेहपुर साथ लेकर चलो। तो मैंने उसे कहा कि यार, मैं आपके खाने के लिए जो चीज़ तुम कहो खाने की वो आपके लिए लेकर आऊँगा, जलेबी, समोसा, पकौड़ा, जो भी कहो तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, मेरे साथ ना चलो क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो बार बार यही कहने लगा, चाचू मैंने आपके साथ जाना है। मेरी बाइक उसने पकड़ ली, ज़िद कर ली कि मैंने आपके साथ ही आज चलना है सिटी फतेहपुर। तो अभी उसकी भी फिर मैं तैयारी करवाने लगा हूँ, वो घर पर गया है कपड़े वगैरह चेंज करने। जो ही वो कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो फिर चलते हैं सिटी फतेहपुर। किधर चढ़ा मैंने आता कितना चढ़ा है एक ही खगल दूध के करे अभी आए आया क्या करे अभी दुख था क्यों होता। सो जनाब, फैज़ान भतीजा और मैं अब जो है बाइक पर सवार हैं, तो रास्ते में खड़े हैं। आगे दो लड़के खड़े थे, दरख्त पर एक चढ़ा हुआ था एक नीचे बैठा था, तो उनसे पूछ रहे थे खैरियत है कि आप रास्ते में क्यों खड़े हैं। तो एक तो वैसे शर्मा कर भाग गया, दूसरा यहीं पर बैठा है, उससे पूछते हैं क्यों बैठे हुए था, क्या कहना पड़ा है, क्या कहना पड़ा है। मैं कहूँ लगता तुम्हें कोई डाकू है ना, मुँह शू वलेटी खड़ा है, इवें गाल है ना जोड़ के तो वलेट तेरी खैर हुई जुलू फिर आना का। हाँ। तो बकास को दाल आए हैं कि शखा से उठा डस्ट मेरे को जी शखवा दे, सस्ता भा खवा दे तक। चलो सही, फैज़ान से मैंने पूछा है कि फतेहपुर आप क्या चीज़ खाओगे, क्या चीज़ खाना पसंद करोगे। तो फैज़ान कह रहा है जो चीज़ भी आप खिला दोगे मैं खा लूँगा। तो मैंने उसे कहा कि कोई सस्ती चीज़ आपको खिला दूँ, तो फिर कहता है कोई मसला नहीं, जो चीज़ आप खिला दोगे मैं खा लूँगा। तो अब चलते हैं सिटी फतेहपुर, पहुँच कर देखते हैं इसको क्या चीज़ पसंद आती है, वही चीज़ आज इसको खिलवानी है बस। फाइनली जनाब, अब जो है फैज़ान और मैं अपने सिटी फतेहपुर के न्यू गला मंडी में पहुंच चुके हैं। बैक साइड पर हमारे आरती साहब का जो है दफ्तर बना हुआ है, वहां से हमने ये खाद की पर्ची वगैरह ली है। तो अब जो है हम वापस सिटी फतेहपुर जा रहे हैं, पीछे बाज़ार में कोई चीज़ वहां पर जाकर खाते हैं और ये पर्ची रिक्शे वाले को देते हैं और वो ये खाद लेकर घर को जाएगा। फैज़ान कड़ी शा खास है, चावल खास है। फैज़ान जो है कह रहा है कि मैंने जो है बिरयानी खानी है, तो चलते हैं बाज़ार में इसको बिरयानी खिलाते हैं। तो जनाब, अब जो है फैज़ान और मैं रिक्शा स्टैंड में पहुंच चुके हैं, रिक्शे वाले को पर्ची देने के लिए आए थे। फैज़ान रिक्शे लेते एक को ना लालू कह बैग दे मुझे पर्ची,
जिस रक्षे वाले को हमने पर्ची देनी थी वो यहाँ पर खड़ा नहीं है, लेकिन उसे कॉल करके पूछते हैं कि किस टाइम उसने आना है। जनाब कॉल आपने सुन ली है, रक्षे वाला जो है बाज़ार में है, तो वो कह रहा है कि बाज़ार की तरफ आ जाओ, वहीं पर मुझे पर्ची दे दो। तो चलते हैं बाज़ार में। अब हेलो सलाम अलैकुम। कितना सोना मैं शहर खान दी पर्ची आई पहुंच चुके हैं फैजान और मैं, यहाँ पर जो है अब बिरयानी खाते हैं। बस कर गए, बस ये कुछ फैजान ने तो अपनी प्लेट खत्म ही नहीं की, कह रहे बस। अगर आपने भी बिरयानी खानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ बिरयानी खाएंगे। फैजान और मैं अब जो है आगे बाज़ार में पहुंच चुके हैं बिरयानी खाकर। अब हम आगे राशिद भाई के किराना स्टोर पर पहुंच चुके हैं, यहां से कुछ सौदा सल्फ लेना है, फिर बाज़ार से फिर वापस घर की तरफ जा रहे हैं। राशिद भाई अपनी शॉप पर मौजूद नहीं है, हम उसका वेट कर रहे हैं। राशिद भाई से हमारा पर्सनली काम था, उसका भाई जो है वो शॉप पर बैठा है, लेकिन हमारा काम जो है वो राशिद भाई से था, तो वो थोड़ा बाहर गया हुआ है, जो ही आता है फिर उससे मिलते हैं। कुछ चावनी चा खा बस रज गए, तू ही आते पैसे वाली जाते जलू था कहूँ फ्री वाली चीज़ ना चाहवा ना, इवें गल है। मैंने राशिद भाई को कॉल किया, राशिद भाई कह रहा था कि मैं सिटी से आउट हूँ, बाहर हूँ, तो मैं जो है काफ़ी लेट हो जाऊँगा, आप मुझे कल मिल लेना। तो बाकी जो सौदा सेल्फ है वो हम खुद निकाल रहे हैं, क्योंकि रिजवान भाई भी अकेला बैठा है, इसके साथ जो यहाँ पर मुलाजम होते हैं काम करने वाले वो खाना खाने गए हुए हैं, तो हम खुद जो है सौदा सेल्फ निकाल रहे हैं, फिर उनको जो है पैक करते हैं, फिर बाइक पर रख के जा रहे हैं। टैग पर जनाब ये दोस्त खड़े हैं, इन्होंने मेरा चैनल वॉच किया हुआ है, पहले अपना तारफ करवा दें, क्या नाम है आपका भाई? इस्लाम जी, इस्लाम भाई हैं ये। आगे रिजवान भाई को तो आपने पहले देखा हुआ है, इस साइड पर आपका क्या नाम है भाई? हसन। आपका चेहरा साफ नहीं आ रहा है जी। नुमान ठीक है, अच्छा जो भी है बस ठीक है, नुमान भाई है। अच्छा आपने पहले हमारी वीडियो देखी हुई है ना, मेहरबानी शुक्रिया, थैंक यू। रिजवान भाई के पास आने का आज एक फ़ायदा हुआ है कि तीन चार यहाँ पर फ़ैन मिल गए जिन्होंने पहले मेरी वीडियो जो है वॉच की हुई है, और उन्होंने मज़ीद ये भी मुझे कहा है कि हम अपने फ्रेंड को भी मज़ीद आगे शेयर करेंगे और उनको कहेंगे कि आपके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। सो जनाब हम जो है वापस घर की जानब जा रहे थे, बाइक पर थे, रास्ते में आगे से ऐनक ली, फैजान पीछे बैठा था, इसने जो है अपना पाँव बाइक के टायर में दे दिया है, तो पाँव काफ़ी ज़ख्मी हो चुका है इसका, अब हॉस्पिटल में आ चुके हैं पट्टी वगैरह करवाने इसके। दर्द है फिजान हैं, दर्द है? अब फैजान को जो है आप पट्टी करवा लिए, तो फैजान को दर्द जो है काफ़ी हो रहा है, कह रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फैजान दर्द हो रहा है, हैं फैजान? फैजान बोल नहीं रहा, अब नाराज़ हो चुका है, तो ख्याल आपने खुद करना था ना। चलें अब घर, चलो। फैजान जो है अब चल नहीं सकता, तो इसे मैंने खुद उठा लिया गोद में, अब इसे उठाकर बाइक की तरफ चलते हैं, इसको बाइक पर फिर बिठा और घर की तरफ जो है वापस चल रहे हैं, तो दुआ करना अब खैरियत से हम जो है घर पहुंच जाएं। और बोतल पीनी है? फैजान अभी भी कह रहा है कि बोतल मैंने, ठीक है बोतल मैं देखो अपनी दुकान पर घर में दे, ठीक है चलो सही। फाइनली जनाब अब जो है हम घर वापस पहुंच चुके हैं, अल्लाह के फजलो करम से अब जो है खैर खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। फैजान के पाँव पर जो चोट लगी थी पट्टी करवाने के बाद, अब वो घर आके सोया पड़ा है, रेस्ट कर रहा है, तो शाम के 4 बज चुके हैं, बादल भी अब काफ़ी छा गए हैं, बारिश का मौसम बन गया है,
अब मैं अपनी शॉप पर जाता हूँ, वहाँ पर काफ़ी काम है, गंदम काफ़ी बार पड़ी थी उसको भी अंदर रखना है क्योंकि बारिश आने वाली है। तो आप जो है अब हमें इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।